जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं आपका दोस्त रितेश। फाइनली दोस्तों, बहुत दिनों के बाद, यानी कि आप बोल सकते हो मोटा मोटी एक महीना हो गया, आपका दोस्त आपके लिए कोई भी अपडेट लेके नहीं आया था। तो फाइनली आपका दोस्त आपके लिए एक मजेदार वाला अपडेट लेके आया है, जो कि आपका होने वाला है हरिद्वार मेरठ कांवड़ यात्रा से रिलेटेड। अगर कोई भी भाई सिर्फ झारखंड से नहीं, कहीं और से भी, जैसे हो गया आपका बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कोई भी जगह से, अगर आपको मेरठ जाना है तो आप कैसे जा सकते हो, और वहाँ पे कैसे कंपटीशन होगा, कब होगा, कितना दिन होगा, आपको कब जाना चाहिए, इन सब का जानकारी आपको इस वीडियो पे देंगे। तो चलिए वीडियो को थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करें इस साल कैसे होने वाला है, इसका आपको एग्जाम्पल देंगे पिछले साल कैसे हुआ था, क्योंकि पिछले साल जैसे हुआ था इस बार भी वैसे ही ना होगा, डेट कैसे रहेगा। तो पिछले साल एक्चुअली में आपका 8 सोमवार पड़ा था, क्योंकि उस साल 2 महीना सावन चला था, और इस बार तो वैसे नहीं होने वाला है। तो उस साल का हम बता दें आपको, पिछले साल वहाँ पे जो सबसे पहला सोमवार पड़ता है ना, उसी से ही स्टार्ट होता है वहाँ का कांवड़ यात्रा। और पिछले साल आपका सेटअप रेडी हुआ था 2 जुलाई से 9 जुलाई तक, यानी कि सेटअप बहुत सारे 2 जुलाई से आना स्टार्ट हो गया था वहाँ पे। सबसे पहले अपडेट वहीं के यूट्यूबर भाइयों ने दिया था कि वहाँ पे सबसे पहले 2 तारीख को कसाना डीजे आया था, और भी कोई डीजे आया होगा, लेकिन वीडियो कसाना डीजे का मिला था, तो 2 तारीख को पहुंचा था, 2 जुलाई। थोड़ा सा आप डेट को याद रखिएगा, हो सके तो कॉपी पेन निकाल के आप लिख भी लीजिएगा कि आपको वहाँ पे कितना दिन रहना होगा, क्योंकि आप जाएंगे 1-2 दिन के लिए, मज़ा नहीं आएगा। और ख़ासकर हम अपना बताएं दोस्तों, हम उनमें से हैं जो डीजे में एक नट भी टाइट करेगा ना, तो वो भी आपको दिखाने का रुचि रखते हैं और देखने का भी रुचि रखते हैं। तो ऐसा होने वाला है। और पिछले साल का चलिए बात करते हैं, 2 जुलाई को सेटअप वहाँ पे पहुँचा था, और वो सेटअप को 7 से 9 तारीख के बीच में साउंड चेक करना था, यानी कि 7, 8, 9, आपको 3 दिन टाइम है, आप कोई सा भी दिन में साउंड चेक करके अपना सेटअप को रोड शो में निकाल सकते हो। 2 तारीख से लेकर 7, 8, 9, यानी कि आप मोटा मोटी पकड़ के चलिए 5 से 6 दिन वहाँ पे सेटअप रेडी होने में लगता है। आपको वहाँ पे 5 से 6 दिन सेटअप दिखाना पड़ेगा कि कौन सा सेटअप रेडी हो रहा है, कहाँ तक कितना प्रोसेस हुआ है। बहुत सारे डीजे रहते हैं वहाँ पे, मज़ा आ जाता है। और 7 दिन में सोच सकते हो आपको कितना कंटेंट मिलेगा, कंटेंट का भरमार रहता है, क्योंकि आपको बता दे ये जो कांवड़ यात्रा है, ये इंडिया का तो छोड़ दीजिए, इंडिया में ही एक्चुअली में कांवड़ यात्रा होता है, इंडिया का सबसे बड़ा कांवड़ यात्रा है, बहुत विशाल रूप वाला कांवड़ यात्रा यहाँ पे आपको देखने मिलेगा, और मज़ा आएगा वीडियो बनाने में, सभी डीजे को एक्सप्लोर करने में। तो 7 दिन लगा दोस्तों आपको, 5 से 6 दिन लगा सेटअप रेडी होने में। आप इधर पकड़ के चलिए 2 से लेकर 9 तारीख तक आपको सेटअप साउंड चेक सुनने में इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन मज़ा आएगा। उस बीच बहुत सारे डीजे सेटअप देखने मिलेगा आपको, कौन से सेटअप में क्या कैसे सब कुछ, और बहुत कुछ सीखने भी मिलेगा वहाँ पे। एक्चुअली में हम लोग तो सीखने ही जा रहे हैं वहाँ पे, मज़ा भी आएगा, तो सीखने में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। उसके बाद रोड शो आपका पिछले साल हुआ था 9 तारीख से शायद 14 तारीख तक, फिर 15 तारीख या 16 तारीख को सेटअप खुला था। तो आपका मोटा मोटी पकड़ के चलिए 2 तारीख से लेके 14-15 तारीख तक आपको वहीं पे रहना है। बीच में अगर आपका कुछ तबीयत वबीयत ख़राब होता है, या फिर मन भर गया, कुछ भी हो सके, कोई भी प्रॉब्लम हुआ, तो आप आ सकते हो, लेकिन आपको मोटा मोटी 13 से 14 दिन का टूर पकड़ के चलिए आपको वहाँ पे रहना पड़ेगा इतना दिन, तब जाके आपको अच्छा खासा कंटेंट मिलेगा, शुरू से लास्ट तक एक्सप्लोर करने में भी मज़ा आएगा। तो ये रहा पिछले साल का, तो इस हिसाब से आप इस बार भी देख सकते हो। आप इस बार हम अपना बात करें तो हम 20 से 25 तारीख के बीच कांवड़ यात्रा अटेंड करेंगे, यानी कि आपका 20 जुलाई से 25 जुलाई के बीच हम वहाँ पे पहुँचेंगे। और एग्जैक्ट आपको कितना तारीख को हम निकलेंगे, ये तो जब टिकट बुक करेंगे तभी पता चलेगा, और टिकट के लिए भी थोड़ा सा 2-3 दिन समय लेंगे, उसके बाद टिकट रिजर्वेशन करवा लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा लंबा टूर है, बिना रिजर्वेशन तो दिक्कत है, लंबा टूर में सीट का भी मिलना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है ना, इसीलिए रिजर्वेशन जिस दिन करेंगे उस दिन का भी आपको ब्लॉग दिखाएंगे कि हम कहाँ से रिजर्वेशन किए, कितना पड़ा, और खर्चा कितना, खर्चा का भी आपको अच्छा खासा खर्चा तो बैठ जाएगा, 13-14 दिन खाना पीना रहना सब कुछ लेके थोड़ा सा खर्चा है। और ख़ासकर दोस्तों जो नए यूट्यूबर है, जिनको यूट्यूब पे डीजे वाला वीडियो बनाने में मज़ा आता है, जिसको इंटरेस्ट है, आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा मौका है। यहाँ पे आप अपना काबिलियत दिखा सकते हो कि आप में कितना दम है,
आपका सब्सक्राइबर कम भी है ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आप में जज्बा जुनून होना चाहिए, आप कर सकते हो। आप वहाँ पे ज़रूर जाइए, खर्चा होगा वो तो होगा ही होगा, क्योंकि हम लोग का कैटेगरी ऐसे है कि खर्चा वाला कैटेगरी है। वैसे हम लोग तो बहुत दूर दूर जा चुके हैं तो चलता है, अब डीजे लवर हैं तो आपको तो पहले ही हम बता दिए थे कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आप सपोर्ट करते रहिए, आपका दोस्त आपको इंडिया का कोना कोना का डीजे दिखाएगा। तो इस बार हमें मौका मिला है हरिद्वार मेरठ कांवड़ यात्रा का एक्सप्लोर करने का, और आगे भी बहुत सारा मौका आएगा, उन पे भी जाएंगे, उनको भी नहीं छोड़ेंगे। तो आपको दोस्तों बता दें, आप अगर जाना चाहते हो तो आप 10 से 15 दिन का अपना क्या बोलेंगे प्लान तय करके जाइएगा, और हो सके तो कोई दोस्त लेके ही जाइएगा, साथ में जाइएगा, अकेले इतना दूर रिक्स हो जाता है, किसी के साथ जाइएगा तो आपको भी अच्छा कंफर्टेबल लगेगा। और रहा बात खर्चा का, तो खर्चा होने वाला है, अच्छा खासा होने वाला है आपका, वैसे तो नहीं बता सकते हैं किसका कैसे क्या रिक्वायरमेंट रहता है, किसी को भाई वैसे नॉर्मली लाइफ वाला ज़िंदगी पसंद नहीं है, लेकिन हम अपना बता दें, हम लोग को जो भी मिला सोने का थोड़ा सा भी मिलेगा तो भी हम लोग का चल जाता है, क्योंकि बहुत सारा जगह पे वैसे करके बिताए हैं आपका बंगाल में भी, तो वैसे हमारा तो कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग जाएंगे, दो तीन दोस्त है, और देखते हैं कहाँ से बैठेंगे। और चलिए फिर आपको बताते हैं वहाँ पे आपको एक्चुअली में जाना कहाँ होगा, तो इसका भी जानकारी जब हम टिकट काटेंगे तब आपको बताएंगे कि कहाँ जाएंगे। लेकिन आपको एक हम बता दे रहे, जिसको इंटरेस्ट है डीजे पे वो आप 100% जाइएगा, मज़ा आएगा, आपका चैनल ग्रो होगा, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, बड़े बड़े वहाँ पे भी यूट्यूबर है, उन लोग से भी आपको जो होता है ना कि एक्चुअली में जो अभी हम लोग कर रहे हैं वो लोग ऑलरेडी कर चुका है, हम लोग जैसे अभी डिटेल में वीडियो दिखा रहे हैं वो लोग पहले से वैसे दिखाते आ रहा है। नहीं तो हम लोग का इधर पे ज़्यादातर यूट्यूबर तो किसी से वीडियो मांग के अपलोड करता था, वो लोग भी करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं बोल के नहीं, लेकिन वो लोग कोशिश करते हैं कि जा के वीडियो बनाएं, तो वैसे ही हम लोग भी इधर स्टार्ट किए हैं। हम लोग के तरफ कभी यूट्यूबर सब, आजकल बहुत चेंजेस हो गया, पहले यूट्यूबर सब को उतना वैल्यू नहीं था, लेकिन आजकल ज़्यादातर वैल्यू यूट्यूबर सब का है, तो इतना कुछ आप लोग को प्लस पॉइंट हो गया। इसका मतलब ये कि नहीं, आप लोग कुछ भी कीजिए, सबको साथ में लेके चलिए, और जो गलत कर रहा है गलत को भी दिखाने का कोशिश कीजिएगा, डरिएगा नहीं, अगर आप डर गए हैं तो हार गए, इसीलिए कोशिश रहेगा आप हमेशा जो सच्चाई है उसको बोलने का कोशिश हमेशा कीजिएगा। कुछ भी होता है तो हम लोग आपके साथ हैं, हमेशा आपका साथ देंगे, हर कोई ऐसा नहीं रहता है कि गलत को सही बोलने में डरता हो, हर कोई आपका सपोर्ट करेगा, इसीलिए तो सबको बेस्ट ऑफ लक वहाँ पे जाने के लिए, डीजे वाले को भी और यूट्यूबर भाई को भी, और जो ऐसे ही नॉर्मली देखने जाने वाले हो, आप सबका वहाँ पे जाने के लिए कॉन्ग्रेचुलेसन और बेस्ट ऑफ लक, सब कोई धूम मचा के आइएगा वहाँ पे। यूट्यूबर भाई लोग भी अपना जी जान लगा दीजिएगा इतना बड़ा कांवड़ यात्रा को एक्सप्लोर करने में। और तो आज का वीडियो इतना ही होने वाला है, और अगला जो वीडियो आएगा, अभी जो कंट्रोवर्सी चल रहा है वहाँ पे, ये डीजे उसको ऐसे कर देंगे, इसको ऐसे कर देंगे, इस टॉपिक पे लेके आएंगे, और आप अपना राय कमेंट पे ज़रूर दीजिएगा, जो भी जाने वाला है कुछ भी पूछना चाहते हैं आपको हम इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप हमको DM करके पूछ सकते हो, आपको मेरे से बात करना होगा भी तो बात कर सकते हो। और अगला वीडियो आपका कॉन्ट्रोवर्सी वाला मैटर पर लेके आएंगे कि ये करना सही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है भैया, कोई किसी से कम नहीं है। अगर आप अभी कंट्रोवर्सी कर रहे हो, उस टाइम आपका कुछ हो गया तो फिर आपको कोई छोड़ेगा ही नहीं। तो ये वीडियो आपका नेक्स्ट वीडियो रहने वाला है, और अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।